बॉलीवुड ने दुनिया को बहुत सी क्लासिक हिट मूवीज दी हैं, पर आज के जमाने में बहुत कम ऐसी बॉलीवुड मूवीज हैं जो कमर्शियल होने के बावजूद भी दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है 2013 रिलीज ये जवानी है दीवानी। इस मूवी में वो सब था जो इसे व्यूअर्स के लिए यादगार बनाए, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, अच्छा म्यूजिक। और अब करण जौहर की मूवी है तो एग्जॉटिक लोकेशंस और एक बड़ी स्टार कास्ट तो पैकेज का हिस्सा है ही। बोनस में एक हिट आइटम नंबर भी है बाय नन अदर देन दी माधुरी दीक्षित। वेल, ये सब तो रीजंस हैं ही, बट ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से इसलिए भी है कि मैंने इस मूवी से बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम श्योर जो भी ये मूवी देखता है वो अपने आप को उन चार कैरेक्टर्स में से किसी एक के साथ तो कंपेयर जरूर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही कुछ बातों की जो इस मूवी से हमें सीखने को मिलती है। जवान लड़कियां ज्यादा एंजॉय करें ना तो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वेल, ये भी। जंगल में झाड़ियों से आवाज आए ना तो कभी मुड़ा नहीं करते। और ये भी, बट सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम सबको अपनी जिंदगी में आदत है आदतों का मोहताज बन जाने की। जो काम हम रोज करते हैं बस वही करते रहना पसंद होता है हमें, और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम बोर होने लगते हैं, फिर भी जरा सा भी चेंज हमें परेशान करने लगता है। अगर हम अपनी लाइफ अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर जीना बिल्कुल नहीं चाहते तो हम एक कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं पहले ऐसे अकेली कहीं नहीं गई हूं। तो अब चल, कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस एंड हाउ वी फेस देम। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होता है किसी चीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, बट अल्टीमेटली जीना इसी का नाम है। नॉट एवरीथिंग कैन बी अंडर आर कंट्रोल। हमें हमेशा लगता है कि अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक हमें खुद होता है। सही भी है, एक ही लाइफ है, इसे अपने तरीके से जीना चाहिए, बट सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता। वक्त और हालात बदलते हैं और ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता कि कोई और किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा या कब चीजें हमारी सोच से डिफरेंट हो जाएंगी। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर। हम सबकी जिंदगी में एक मोड़ आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम से भागना सिर्फ उसे बढ़ाता है, सोल्यूशन तो खुद के लिए फाइट करने से मिलता है। दैट मोमेंट इज कॉल्ड ग्रोइंग अप। वी ऑल लिव फॉर अ ड्रीम। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा ड्रीम होता है जो जीने का मकसद बन जाता है। अ ड्रीम दैट डिफाइंस अस, अ ड्रीम दैट कंप्लीट्स अस। आज की जेनरेशन के लिए अपना करियर उसी ड्रीम का एक अहम हिस्सा है। नो डाउट लाइफ में एम्बिशियस होना अच्छा है, बट इस मूवी से मैंने ये भी सीखा है कि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाते बनाते हम अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। डोंट ऑलवेज बी ऑन द रन फॉर द थिंग्स यू डिजायर। आफ्टर ऑल ये जवानी के चार दिन ही हैं खुल के जीने को। इन्हें भी गवा दिया तो अपने बच्चों को कौन सी कहानियां सुनाएंगे हम। सम थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। मेरे हिसाब से ये इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक तरफ नैना और कबीर बार बार अलग होके भी अंत में करीब आ जाते हैं एंड दे गेट देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, पर दूसरी तरफ अदिति चाहे अवि को कितना भी पसंद करती हो वो दोनों कभी साथ नहीं आ पाते। समटाइम्स पीपल यू लव द मोस्ट डोंट लव यू बैक, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई और बना ही नहीं है। देर से ही सही, पर हर किसी को कोई ऐसा मिल ही जाता है जिसे वो अपना कह सके। एक पुरानी कहावत है, जो भाग्य में हो वो भाग कर आएगा और जो नहीं हो वो आकर भी लौट जाएगा। हमें वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं, तो उन चीजों के पीछे भागना छोड़ो जो हमें नहीं मिल रही, बल्कि उन चीजों को अप्रिशिएट करो जो हमारे पास हैं। सम फ्रेंडशिप्स आर फॉरएवर। रिश्ते नाते तो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, पर अपने दोस्त हम खुद चुनते हैं। हम आए दिन नए लोगों से मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, पर वक्त की मार को जो दोस्ती झेल जाए वही उम्र भर के लिए होती है। मुंह पे तो सब अच्छे बनते हैं, but the people who stick around with you when you're not doing well in your life are your real friends. चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपके सच्चे दोस्त आपके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे आपका साया बनके। और ये दोस्ती पक्की है या नहीं ये जानना मुश्किल नहीं। You know your friendship is strong when you don't need words to communicate your feelings. अब ये तो थी वो बातें जो मुझे इस मूवी ने सिखाई। आपको क्या पसंद आया इस मूवी के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपने थॉट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टॉप फाइव्स इंडीड, एंड ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोस ऑन आवर चैनल।